हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम निक्स। आज हमारी क्लास नंबर 12 है, जिसके अंदर हम सीखेंगे ई मेजर कॉर्ड को प्ले करना। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने सीखा था ई माइनर, और आज वाली क्लास में हम सीखेंगे ई मेजर। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसे प्ले करने के लिए। और प्लीज़ ये मत सोचना कि आप प्ले नहीं कर सकते, बहुत सारे कॉर्ड सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। आप जैसे जैसे इन्हें प्ले करोगे उतना ही आपको ये चीज़ याद अच्छे से होती चली जाएंगी। सो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ई मेजर। सबसे पहले मैं आपको उसका इंट्रो देता हूँ। गाइस, जो इस टाइम हम प्ले कर रहे हैं दैट इज ई मेजर। ई मेजर और जो हमने ए माइनर प्ले किया था ना, दोनों सेम है। जैसे मैंने आपको बताया था एक क्लास में, जिसमें ए माइनर प्ले करना सिखाया था, ए माइनर की पोजीशन इस तरीके से होती है। ई मेजर जो है वो जस्ट आप अपनी इस फिंगर को जो आपने यहाँ रखी हुई है एक आगे बढ़ा दो, सेकंड फिंगर जो रखी हुई इसको भी एक आगे बढ़ा दो, जो थर्ड फिंगर है इसको भी एक आगे बढ़ा दो, ये बन जाता है हमारा ई मेजर। बेसिकली ई मेजर में जो हमारा फ्रेट बोर्ड यूज़ होगा दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड। इस तरीके से हमें अपनी फिंगर प्लेस करनी है। तो मैं आपको फिंगर प्लेसमेंट बता देता हूँ। अपनी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को हमें प्लेस करना है फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, ओके। सेकंड फिंगर को हमें प्रेस करना है सेकंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग लाइक दिस, और अपनी थर्ड फिंगर यानी रिंग फिंगर को हमें प्रेस करना है सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग लाइक दिस, इस तरीके से, ओके। तो इसे हम बोलते हैं अपने पास ई मेजर। ये जो कॉर्ड है हमारा दैट इज़ ई मेजर। बिल्कुल ए माइनर जैसे हमने प्ले किया था उसी को एक स्टेप और आ गया बढ़ा दो तो ये ई मेजर बन जाता है, जो कि साउंड इस तरीके से निकालता है, ठीक है। कोशिश करो कि फ्रेट के जितने पास में आप रहेंगे उतना ही आपकी जो साउंड की क्वालिटी है वो बेस्ट आएगी। बिल्कुल ईजी कॉर्ड। सो आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। हे गाइस, thanks for watching my videos. Please subscribe my YouTube channel for getting a new videos and new songs, and I hope you like these videos, and peace out.